वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, हम जा रहे हैं नहाने। और आज मेरा मन था कि सुबह जो है 5 बजे जाए टहलने के लिए। अलार्म भी लगाया था, अलार्म बजा भी था, और फिर मैंने उठ के बंद कर दिया और इसके फिक्स हो गया। बट जो है कल उठ के जाऊंगा सुबह टहलने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं नहाने, नहाने के बाद में हम जाएंगे काम पे। और वहाँ के लिए मैंने ले लिया ये लीड, क्योंकि यार काम पे मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो इसलिए हमने लीड ली है। लीड लगा के काम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मन लगेगा, तो इसलिए लीड ले लिया। अभी जा रहे हैं नहाने, फ्रेश होने, एंड इसके बाद जो है काम पे निकलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ बन रहा है, मतलब क्या बनेगा आज, क्या हम लोग बनाने वाले हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं, और इसके बाद जो है खाना पीना खा के निकलते हैं काम के लिए। बहुत ज्यादा पानी आ गया ना। यही कल लेटरिन फेंक दिया था का? कहा वो कहाँ चलना है, अब कहाँ पे चलना है? हाँ तो चल रहा, तो वहीं चलिए फिर, वहीं चलिए, सोफा कमरे बना खत्म करते हैं। किस चीज का काम? वही छोटे छोटे साइज। हाँ देखो यार, सो गाइस यार आज जाना है सोफा कम्बेट बनाने के लिए, जो कि मेरे मतलब घर के पास में ही है, तो सोफा कम्बेट जाएंगे बनाने। और उसकी फोटो हम जो है अभी दिखा दे रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, हम लोग बनाएंगे, इसके बाद भी आप देखिएगा। सो बनाते हुए तो वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, बट जो है बन जब पूरा बन जाएगा तो हम वीडियो शूट कर लेंगे। तो फटाक से पहले जो है फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, क्योंकि नहाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये सब काम पहले खत्म कर लेते हैं, फिर जो है निकलते हैं। खाना ना बना गई हमने, हमने खाना बना कि नहीं, खाना बना कि नहीं, बना तो निकाल दीजिए, हम नहा के तुरंत आ रहे खाना खाएंगे। चलिए ठीक है, जा रहे नहाने। तौलिया कहाँ है? तौलिया कहाँ है? तौलिया ये पड़ा है। डाल से नहा लेते हैं और इसके बाद इस शर्ट में हमें जेब बनवानी है। आपसे कहते रहेगा आप नहीं बनवाए, पता नहीं आपसे कैसे कह दिया कि अभी देखिएगा हम बनवा के लाते हैं। एक शर्ट कोई लाइए फिर बनवा के देखो लेके आते हैं। कपड़ा मांगता है, कपड़ा। अरे कपड़ा का तो भैया कौनो कपड़ा लगाओ तुम, हम मोबाइल दे रहे, इस मोबाइल की साइज का बनाओ, बस बात करो, जेब में मोबाइल आ जाना चाहिए बस। अरे यार अम्मी देखिए उसके ये हमें नया नहीं चाहिए यार, हम ये नहीं चाहते कि नया खरीदे भी पहन के फिर गंदा करे उसको, हम चाहते कि जो पहनते हैं रो उसी बनवा ले, बवाल खत्म करे। भाई यार मुझे शर्ट में देखो, मेरे इस शर्ट में जेब नहीं है बिल्कुल भी। यार कभी कभी होता है ना गाड़ी वगैरह चलाओ तो जेब में मोबाइल रख लो, ऐसे में बहुत दिक्कत होती है यार। इस जेब मतलब जितनी भी शर्टें मेरी हैं, केवल ये वाली शर्ट छोड़ के जो हम कल पहने हुए थे, ये वाली शर्ट छोड़ के बाकी सब में जो है जेब ही नहीं है, तो मुझे जेब अलग से बनवानी पड़ेगी। तो वही मम्मी कह रही है नहीं बन रही है, कपड़ा मांग रहा अलग से। अरे कपड़ा कोई भी लगा दे, मतलब मुझे जेब चाहिए बस, इससे मतलब नहीं है। वाइट में अगर इसमें वाइट में लग जाएगा तब भी अच्छा लगेगा, या क्रीम कपड़ा हो तब भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी हम जो है जा रहे हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने वन प्लस का मोबाइल लिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। भाई कह रहा आके देखो मोबाइल लिया है किस्त में, तो जाके देख लेते हैं मोबाइल कैसा है उसका, और अगर वीडियो शूट किया तो आपको भी दिखा दूंगा कि कैसा मोबाइल है और कौन सा मोबाइल है। ठीक है,
और कैसे उसने लिया है ना। तभी चलते उसके घर और मोबाइल देख के आते, क्योंकि उसने बुलाया था, अगर ना बुलाया तो ना जाते, बट बुलाया तो जाएंगे है ना। तभी चलते उसके घर और मोबाइल देखते हैं और दिखाते भी है ना। अब आके ना आएंगे, अब आएंगे तब ना आएंगे भाई। वीडियो बोले वीडियो वो करो, हॉरिजॉन्टल करो, हॉरिजॉन्टल करो, अबे हॉरिजॉन्टल करो, मोबाइल घुमाओ है तो बे वीडियो में। हाँ ये कहाँ से आया, यही तो नहीं था। 4K वीडियो चलाओगे? कितने का पड़ा ये 25 का है। तुमको कितने का पड़ा? हमें तो 29,500। 29,500 25 26 होता है 28 29 4,500 रुपये ज्यादा, 4,500 रुपये ज्यादा लिया। बड़ा फाइनेंस यार, बहुत महंगा हो गया है। सही बात है, बजाज से हुआ है? 4K वीडियो है, बजाज से हुआ है। अबे जूम करना, जूम करके देख रहा था, वीडियो बना रहा क्या? कितने 28 है क्या? मतलब 28 जूम? मेरे में 28 तो नहीं है यार, मेरे में जूम इतना है। देखो कर रहे हैं, गुरु कृपा लिखा है यहाँ पे, करो जरा जूम, गुरु कृपा में आओ करो, गुरु और हो जा रहा है बहुत है, मेरे से ज्यादा नहीं लगता गुरु कृपा तक वीडियो में। वीडियो मेरा 10x है, 10x है। फोटो में 20x, फोटो में 20x देगा। सो गाइस मोबाइल तो आपने देख लिया होगा, अब हम जो है साइट पे मतलब काम पे जा रहे हैं, औजार वगैरह रख ले क्योंकि औजार लाए थे, कुछ काम था इसलिए, मतलब एक जगह LCD बननी थी, तो अभी वो डिसाइड करेगा आगे चल के, और उसको मतलब जो खाना पहले की जो LCD लगी थी वो सब उखाड़ दिया। औजार ला रहे, औजार नहीं ला रहे, बोरी में 20,000 बोरी में औजार रख दिए सारे। हेलमेट ऊपर देखिए, हेलमेट वो हेलमेट ले आओ ऊपर से सोनी। अरे डालिए यार, बोरी ही तो है, कौन खजाना है। वैसे तो हम जो है 9:30 बजे काम पे निकल जाते हैं, बट अभी टाइम देखो, टाइम हो गया 11, मतलब आज 11 बजे जा रहे हैं, तो रात में जो है 9 बजे वहां से हम निकलेंगे, समझे। कम से कम जो है 10 घंटे तो काम करेंगे ही यार, इसलिए तो लीड वगैरह ले लिए ताकि जो काम में थोड़ा मन लगे, इसीलिए लीड लेके ही जा रहे हैं। सारे औजार वगैरह भी रख लिए। LCD वाला जो बनना है वो अभी जो डिसाइड करके वो बताएगा कि वो बनवाएगा या फिर जो है खरीद के लाएगा, बना बनाया क्या करेगा वो खुद डिसाइड करके बताएगा, तो भाई बना देंगे हम लोग। अभी जो है निकल रहे काम पे और वहां दिखाएंगे क्या बन रहा है, मतलब एक पलंग है जो चार दिन तो हो गया, आज 5वां दिन है, चौथे दिन जो है लाइट ही नहीं आई थी पूरे दिन, तो पलंग बन नहीं पाया था। यार टिफिन तो देखिए, बिना टिफिन चले जाएगा, स्टैंड तो यार सबसे पहले देखो ये अलमारी, मतलब ये अलमारी जो है पूरी फिनिश कर दी हम लोगों ने, ख़त्म हो गई पूरी अलमारी। और ये देखो ये है पहले तो ड्रॉल, मतलब ये है दराज अलमारी की, जो कि 2 दराजें दी गई है, एक ऊपर है और एक नीचे,
ये वाली जस्ट नीचे है, ये वाली तो ऊपर है, ये तो आपने देख लिया है। एंड अभी नीचे वाली दिखाते हैं, और नीचे वाली में नीचे वाली बड़ी है, मतलब ऊपर वाली जो है छोटी है, नीचे वाली उससे ज़्यादा बड़ी है। और ये अलमारी जो है दोनों में एक दूसरे के साथ टच होके साथ में रखी जाएगी बराबर से अगल बगल, है ना। इस तरह माइका लगी है, इस तरह भी माइका रखी है, मतलब ये दोनों जो साइड है वो बाहर तरफ रहेगी, और इस तरफ माइका नहीं लगी है ये, एंड इस तरफ है, इस तरफ भी माइका नहीं लगी है, तो ये दोनों जो है साइड चपक जाएंगी इधर से। टाइम हो गया 7 और मतलब 7:30 बजने वाला है, और हम अभी जो है औजार वगैरह सब रख के घर की तरफ जा रहे हैं, तो फटाक से औजार रख कर निकलते हैं। और अभी हम जो है काम से जो है घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब घर जा रहे हैं, क्योंकि काम जितना भी होना तो हो गया है, मतलब ज़्यादा काम नहीं किया है आज, और घर जा रहे हैं, और पहले सारे औजार रख देते हैं और निकलते हैं फिर। तो यार मैं अभी जो है काम पे से आया हूँ, और पापा जो है एक कुछ लेके आए थे, वो आपको दिखाते हैं। मतलब इस कोई दुकान गए थे, वहाँ पे जो है उद्घाटन था शायद, तो दुकान से कुछ चीज़ें लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या है वो चीज़, है ना। पानी देइए, मतलब किसी दुकान में उद्घाटन था, मतलब फर्नीचर की ही दुकान होगी, तो वहाँ का उद्घाटन था, तो कुछ गिफ्ट वगैरह मिला है वहीं से, तो देखेंगे किस चीज का गिफ्ट है, मतलब कैसा गिफ्ट है, क्या है उसमें। और वैसे तो हम लोग पता है साढ़े मतलब 8 बजे तक ही काम करते हैं, तो 9:30 बजे निकल जाते हैं, तो फिर 8 बजे तक काम होता है ना। बट जो है आज जल्दी आ गए, जल्दी के आगे मतलब 8 बजे घर आ गए आज। दिखा रहे हैं ये सारी चीजें जो है वहां से मिली है, इसका तो पता नहीं, वो तो पैक है, ये क्या चीज है पता नहीं, क्योंकि ये पैक है, इसका आता पता नहीं। और बाकी ये बैग है, कैरी बैग है ना, और ये कॉपी एंड पेन, एक वो छोटी कॉपी दी गई है, सो मतलब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, बाकी सारी चीजें तो सामने है जो भी है ना, तब इसको खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। सही बताए, हम एक आज से वीडियो बना रहे हैं, हमें खाने का मन है, छील भी रहे हैं, तो एक हाथ से ना छीला जा रहा है न खाया जा रहा, अब वीडियो बनाना भी जरूरी है, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं बताओ। मजा है ट्राईपोड लगा के, तो ट्राईपोड ट्राईपोड नहीं लगाएंगे, एक काम करते हैं सोनी को बुलाते हैं, उससे खुलवाते सीधा, और दिखाते हैं कि इसमें क्या है, पता नहीं हमें क्या है, पर देखते हैं क्या है। सुने इसको खोलो जरा क्या है,
ये क्या है? टिफिन है। अब इसमें टिफिन निकला। अरे यार गाइस यार इसमें तो कोई टिफिन निकला है, दिखाओ पूरा टिफिन निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। प्लास्टिक वाला है भाई। वहाँ पे जो है पापा इनवाइटेड थे तो पापा गए थे, हम थे नहीं तो हम गए नहीं थे क्योंकि हम काम कर रहे थे अकेले, पापा साइड से चले गए थे है ना। बट वहाँ का जो वीडियो शूट किया गया है वो हम आपको दिखा देंगे, पापा ने शूट किया है, बट जो है हम अपने तरफ से वॉइस ओवर करके आपको हम डिटेल में बता देंगे किस चीज का, मतलब किस चीज का जो था उद्घाटन था या क्या था है ना। बहुत बढ़िया टिफिन है लेकिन बढ़िया है। खाना रखो इसके बाद इससे बंद कर दो, अंदर पैक रहेगा, गरम होगा गरम रहेगा, ठंडा होगा ठंडा रहेगा, ये रहेगा। स्टील अंदर लगी है और अच्छी है, बढ़िया है, बढ़िया है ये, लेकिन ज्यादा खाना नहीं आता इसमें। एक लोग का आ जाएगा, काम हम जॉब पे जाना उसके लिए बढ़िया है ये, एक लोग के लिए। अरे बंद हो जाता होगा इस यार। ये देखो हाँ एक चीज तो और थी, दिखाओ ये टी शर्ट है क्या है पता नहीं, खोले यार उसको, टी शर्ट दिखाओ यार पूरी, ये तो रिंकिया वाली टी शर्ट है। ये तो रिंकिया वाली टी शर्ट है यार। चलो ठीक देखो ये गाइजर, ये देखो ये कंपनी का नाम है, जिस कंपनी से जो टी शर्ट मिली है ये कंपनी का नाम है डेल्टा है ना, डेल्टा लेमिनेट ऐसे कुछ लिखा लेमिनेट है ना, ये कंपनी का नाम है। इसी कंपनी की तरफ से जो है ये किचन कह रहे हैं ये टिफिन मिला है। और ये यार एक झोला है कैरी बैग, इसमें सारा मतलब रखा हुआ था, और ये कॉपी है लिखने के लिए हिसाब किताब और मतलब ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए, और एक छोटी कॉपी है जो कि वहाँ पे है ये है ना, और दोनों में लिखा हुआ है ये देखो, ये लिखा हुआ डेल्टा कंपनी, जौन सी कंपनी है ना डेल्टा लेमिनेट्स फलाना डिमा का, हर चीज में पूरी डिटेल लिखी हुई है ना, बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत मस्त है, मजा आ गया है ना। तो भाई आप लोगों ने देख लिया क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें थी, मतलब उतनी यूज नहीं, मतलब यूज वाली चीजें नहीं, बट जो है टिफिन जो है ना, जो टिफिन निकला वहां से वो टिफिन को यूज कर सकते, जैसे जब जैसे कि मतलब एक बंदा अगर जॉब करने जाता है उस एक बंदे के लिए ये टिफिन तो ठीक है, लेकिन दो लोग मतलब मेरा जो टिफिन है उसमें जो है दो लोग का खाना आ जाता है, मेरा भी आ जाता है उसी पापा का भी आ जाता है, बट जो ये जो टिफिन होते हैं ना इस टाइप के टिफिन इसमें एक ही लोगों का खाना आता है, क्योंकि दो लोगों का उसमें आ नहीं सकता है ना, इसीलिए एक लोग का आता है, एक लोग उसे खा सकता है, काम चल जाएगा इसका, भूखा नहीं रहेगा है ना। क्योंकि यार मैं भी जब पहले जॉब करता था बिग बाजार में तो जो है मैं भी इस तरह का टिफिन लेके जाता था, और पर्याप्त होता है उतना खाना एक बंदे के लिए है ना। और एक चीज और मुझे बताना है जॉब से मुझे याद आया कि भाई आज सुबह जो है मेरे दोस्त ने एक मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था जॉब के लिए है ना, तो एक आइनॉक्स कंपनी पे के जॉब के लिए हमें कॉल किया था रिगार्डिंग आइनॉक्स मतलब मूवी थिएटर है उसका जो है जॉब के लिए, मैं उसी जॉब के रिगार्डिंग जो है कॉल किया था सुबह, तो मेरे मतलब मेरे घर के पास में उनका ऑफिस है तो वहीं पे जो है उन्होंने बुलाया है, और देखो मेरे पास तो टाइम नहीं होता, हम 9:30 बजे निकल जाते हैं, उन्होंने उनका ऑफिस जो है 11 बजे खुलता है ना, तो देखते हैं 11 बजे तक अगर हम यहाँ हुए है ना
तो तुम उनके ऑफिस जाएंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं जाएंगे, बट जो है पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बट हाँ एक चीज और, मैंने वही चीज जो है व्हाट्सएप मैसेज जो मेरे में आया था, मेरे दोस्त ने जो मेरे में भेजा था जॉब के रिगार्डिंग, तो वही मैंने अपने भाई को भेज दिया। तो उसने जब कॉल किया तो वहां से कहा गया कि 5,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो भाई यही सब चीजें जो है पूरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा ब्लॉगर हूँ जो स्पाई ब्लॉगिंग करता हूँ। मतलब मैं सामने वाले का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा बट सामने वाले को वो चीज पता नहीं चलेगी। तो वही मैं करूंगा जब अगर मेरे पास टाइम होगा तो, अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम वहां पे जाएंगे और सब कुछ पूछेंगे भाई 5,000 रुपये क्यों जमा करने पड़ेंगे अगर उससे कहा तो। और मैंने कॉल से बात की है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से कॉल से मैंने क्या बात की थी। सुबह मैंने मतलब पहले कॉल किया था है ना, तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं क्योंकि मैंने कॉल किया था 9:30 बजे निकलने से पहले, ताकि जो है मतलब उनसे बात हो सके, क्या क्या कुछ है समझ सके है ना। बट जो उनकी कॉल उठी नहीं, इसके बाद उन्होंने 11 बजे मुझे कॉल किया, 11:09 पर समथिंग उनकी कॉल आई। तो उन्होंने बोला कि आपने कॉल किया था, तब मुझे याद आया कि हाँ भाई मैंने जॉब के लिए कॉल किया था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने जॉब के लिए कॉल किया था आपको, तो जॉब के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ तो आप ऑफिस आ जाइए। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेरी जो है मेरे मोबाइल में जो है कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो वो जो है पता चल जाती है दूसरे वाले बंदे को, तो उसे पता चल गया। उसने पैसे से कोई बात नहीं की थी, उसने कहा था कि आप आ जाइए ऑफिस, बस ये हम कॉल रिकॉर्डिंग जो है आपको हम सुना देते हैं ना। तो सुनो पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी जी बोलिए, आप कौन जी? अच्छा जी, मैंने कॉल किया था ना आपको, आप आइनॉक्स से बोल रहे हो? जॉब के रिगार्डिंग कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए बताइए, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर किस जगह? जी वहीं पे रहता हूँ मैं। तो आप हमारे, सुनिए हमारा पतंजलि शॉप जानते हैं आप? पतंजलि की शॉप भारती पेट्रोल पंप के पास है, जो कारगिल पेट्रोल पंप पास, भारती पतंजलि शॉप, पतंजलि शॉप जस्ट सामने ही है हमारा ऑफिस जॉब अवेलेबल से। अच्छा जी, हाँ विजिट कर लीजिए, बाकी डिटेल्स हम आपको बता देंगे एक बार, ठीक है? ओके जी। तो कब तक आ जाएंगे आप? जी मैं आप कल आऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं निकल चुका हूँ, मैंने कॉल किया था तो कॉल रिसीव नहीं हो पाई थी। 11 बजे ऑफिस ओपन होता है। अच्छा जी, हाँ इसीलिए फोन नहीं उठा पाए। ओके ठीक है, तो मैं कल आ जाऊंगा, कल आ जाइएगा। ओके ओके थैंक यू।